हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशा। आज मैं आप सबके साथ बिल्कुल हलवाई स्टाइल काजू कतली की रेसिपी शेयर कर रही हूं। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और इसे बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो चलिए फ्रेंड्स, काजू कतली बनाना शुरू करते हैं। काजू कतली बनाने के लिए हम ले लेते हैं काजू। तो मैंने 2 कप काजू का यूज़ किया है। काजू को मैंने लगभग 7 से 8 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। ठंडे काजू का यूज़ करना है काजू कतली बनाने के लिए, इससे परफेक्ट टेक्स्चर आएगा। और काजू की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हो, जिस हिसाब से काजू कतली बनाना होगा उस हिसाब से आप काजू का यूज़ करिएगा। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि काजू को फ्रिज में रखने का क्या मतलब हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि काजू कतली बनाने के लिए आपको काजू को फ्रिज में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम कतली बनाते हैं तो हम काजू का पाउडर तैयार करते हैं, और जो पाउडर है वो परफेक्ट ड्राई बन करके तैयार हो, इसलिए हमें उसे फ्रिज में रखना बहुत ज़रूरी है। काजू को हमने फ्रिज में रखा था और ठंडे काजू को मैं ग्राइंड कर रही हूँ, तो परफेक्ट बिल्कुल ड्राई पाउडर तैयार हो रहा है। अगर आप डायरेक्ट काजू को ग्राइंड कर देंगे तो काजू अपना ऑयल छोड़ देगा और परफेक्ट पाउडर नहीं तैयार होगा, और अगर पाउडर परफेक्ट नहीं होगा तो हमारी जो काजू कतली बनेगी वो भी परफेक्ट नहीं बनेगी। तो आप देख सकते हो परफेक्ट ड्राई पाउडर काजू का तैयार हो चुका है, इसे हम साइड में रखेंगे, चलेंगे नेक्स्ट प्रोसेस में। तो एक कढ़ाई ले लेते हैं। कढ़ाई में मैंने 1 कप शुगर ले लिया है और उसी कप से हम 1/2 कप पानी ले लेंगे। शुगर को मेल्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने 1 ही कप का यूज़ किया है मेज़रमेंट के लिए, जिससे कि जो हमारा मेज़रमेंट है वो परफेक्ट हो, जैसे कि हमारी काजू कतली भी परफेक्ट बन करके तैयार हो। फ्लेवर के लिए हम थोड़े सी इलायची पाउडर डाल देते हैं, लगभग 1/4 टीस्पून डालेंगे। और आप देख सकते हो शुगर अच्छे से मेल्ट हो गई है। बस चाशनी को हमें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। जैसे ही शुगर मेल्ट हो जाएगी हम काजू का पाउडर डाल देंगे और 1/3 कप हम डाल देंगे मिल्क पाउडर। सारी चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे, बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़ने चाहिए। गैस की फ्लेम को स्लो रखेंगे, स्लो गैस में हमें ये प्रोसेस कंटिन्यू करना है। अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। अभी ये आपको पतला लग रहा है, लेकिन ये जैसे जैसे हम पकाएंगे ये थिक होता जाएगा, और बहुत ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। लगभग 3 से 4 मिनट लगते हैं और हमारा ये जो काजू कतली का लपडो है वो बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाता है। और आप देख सकते हो ये कढ़ाई छोड़ने लग गया है, इसका मतलब है कि काजू परफेक्ट तैयार हो चुका है, पक चुका है। और इस स्टेज में हम इसमें 1 टेबल स्पून घी डाल देते हैं। अच्छे से घी डाल के भी हम इसे मिक्स कर देंगे, और बस घी डालने के बाद हम इसे 1 मिनट के लिए और पकाएंगे चलाते हुए, और ये परफेक्ट डो की फॉर्म में आ चुका है। डो की फॉर्म में नहीं, अभी ये आपको गीला लग रहा होगा, बट अच्छे से कढ़ाई छोड़ रहा है, इसका मतलब है कि परफेक्ट मतलब इसका मिक्सचर तैयार हो चुका है काजू कतली का। हम गैस को ऑफ कर देंगे, इसे थोड़ा सा मिक्स करते हुए ठंडा कर लेते हैं। तो लगभग 10 से 15 मिनट में अच्छे से ये ठंडा हो चुका है, हल्का गुनगुना सा होगा, बहुत ज़्यादा गर्म में हमें काजू कतली नहीं बनाना है। और आप देख सकते हो बहुत ही परफेक्ट डो की फॉर्म में आ चुका है। जब हमने गैस को ऑफ किया था तब ये थोड़ा सा गीला लग रहा था, लेकिन अभी ये बिल्कुल परफेक्ट है। जैसा हमें काजू कतली बनाने के लिए डो चाहिए था काजू का, सेम वैसा ही तैयार हुआ है। अब इसे हम एक सिलिकॉन सीट पे निकाल लेते हैं। आप किसी भी पॉलीथिन का यूज़ कर सकते हो इस प्रोसेस को करने के लिए, और सारे इस मिक्सचर को हम थोड़ा सा सिलिकॉन सीट में डाल के थोड़ा सा इसे हम सॉफ्ट कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। जैसे जैसे ये काजू को हम मिक्स करेंगे, सॉफ्ट करेंगे, वैसे वैसे काजू अपना ऑयल छोड़ेगा और इसमें एक बहुत ही अच्छी सी शाइन आने लग जाएगी। तो इस तरीके से हमें लगभग 2 मिनट के लिए इसे सॉफ्ट कर लेना है, और 2 मिनट में ये बहुत ही परफेक्ट चिकना हो जाएगा, बहुत ही अच्छी सी शाइन आ जाएगी। उसके बाद हमें इसे अच्छे से सेट कर लेना है और बेलन की सहायता से हम इसे बेल लेंगे। काजू कतली का शेप देने के लिए हम इसे लॉन्ग शेप में मतलब बेलेंगे, जिससे कि परफेक्ट काजू कतली बन करके तैयार हो। और बस हमारा ये जो डो है बहुत ही परफेक्ट तैयार हो चुका है, अब इसे हम बेल लेते हैं। तो आप देख सकते हो बेलने के लिए भी मैंने इसे स्क्वायर शेप दिया है, जिससे कि परफेक्ट काजू कतली बन करके तैयार हो।
और इसे आप जितना मोटा पतला चाहें उस हिसाब से आप इसे बेल सकते हो। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, जैसे मार्केट वाली काजू कतली होती है बस उसी थिकनेस में हम इसे बेलेंगे। और जो मार्केट वाली काजू कतली होती है उसमें इस तरीके से चांदी वर्क लगा होता है, तो बस हम उसे भी लगा देते हैं बिल्कुल मार्केट वाला लुक देने के लिए। बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसे इस तरीके से प्लेन भी कट करके खा सकते हो, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। सिल्वर वर्क से सिर्फ देखने में अच्छी लगती है, उसका अपना कोई टेस्ट नहीं होता है इतना, बस ये खाने वाला ही सिल्वर वर्क है। अच्छे से लगा देंगे और उसके बाद हम इसके पीसेस कट कर लेते हैं। आप देख सकते हो बहुत ही परफेक्ट पीसेस कट हो रहे हैं। तो मैंने इसे सेट होने के लिए सिर्फ आधे घंटे दिया, उसके बाद ही मैं पीसेस कट कर रही हूँ। आप इसे एक घंटे के बाद मतलब पीसेस कट करना काजू बर्फी के, तो बहुत ही परफेक्ट टेक्सचर आएगा। अभी ये थोड़ी सी सॉफ्ट है बट परफेक्ट कट रहे हैं पीसेस। आप देख सकते हो हमारी काजू कतली बहुत ही परफेक्ट बिल्कुल हलवाई स्टाइल तैयार हो चुकी है। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, आप भी एक बार ट्राई करें। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब।